नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग को कहीं भी ट्रेवल करना हो तो वो अपनी सीक्रेट ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं। वैसे तो इस ट्रेन का नाम टाइयंग है, लेकिन दुनिया इसको मूविंग फोर्ट्रेस के नाम से पहचानती है। यहाँ तक कि कई लोग इसमें मौजूद फैसिलिटीज और सिक्योरिटी सिस्टम को एयरफोर्स वन से कम्पेयर करते हैं। एक आलीशान प्लेन जिसमें US प्रेसिडेंट ट्रेवल करते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर किम जोंग की ट्रेन में ऐसा क्या खास है और क्यों किम जोंग ट्रेन से ही ट्रेवल करना पसंद करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब से किम जोंग नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने सिर्फ कुछ कंट्रीज को ही विजिट किया है, जिनमें से सिर्फ चाइना और रशिया ही है। पिछले 13 सालों में किम जोंग ने सिर्फ 10 इंटरनेशनल टूर्स किए हैं, जिनमें से ज्यादातर के लिए इसी मूविंग फोर्ट्रेस का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रेन को दो अलग ट्रेन एस्कॉर्ट करती है, एक इसके आगे होती है जो रास्ते में मौजूद किसी भी खतरे को पहले फेस करती है। बता दें कि जब भी प्रेसिडेंट किम जोंग को ट्रेवल करना होता है तो ट्रैक के आसपास किसी को भटकने भी नहीं दिया जाता। फिर भी आगे चलने वाली ट्रेन के अंदर कमांडोज हर छोटी छोटी चीज पर नजर रखते हैं और दूसरी ट्रेन पीछे चलती है जो पूरी तरह एमिनेशन और आर्मी कमांडोज से भरी होती है। इसके अलावा ट्रेन के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद रहते हैं जब तक ट्रेन नॉर्थ कोरिया की टेरिटरी के अंदर होती है। और अगर किसी वजह से ये तमाम फोर्स कम भी पड़ जाए तो करीबी एयरपोर्ट पर कार्गो प्लेन, एमिनेशन और कमांडोज बिल्कुल रेडी रहते हैं। ट्रेन की बात की जाए तो इसकी तमाम विंडोज बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी है। इसकी छत और निचला हिस्सा भी रीइंफोर्स्ड स्टील से बना है जो एक्सप्लोजन होने पर भी ट्रेन की बोगी को नुकसान होने से बचा सकता है। ट्रेन में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है जो आसमान से आने वाले खतरे से ट्रेन को सुरक्षित करता है। ट्रेन की दोनों साइड्स पर एंटी टैंक मिसाइल और मशीन गन्स लगाई गई हैं ताकि अगर किसी भी साइड से कोई हमला हो तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगर ये सारा सिस्टम फेल भी हो जाए तो किम जोंग की मौत तो हरगिज ही नहीं होगी, क्योंकि इस फोर्ट्रेस की एक बोगी में एक छोटा हेलीकॉप्टर भी साथ ही ट्रेवल करता है। अगर ऐसी सिचुएशन आए भी तो किम जोंग को उसमें बिठाकर फरार करवा दिया जाएगा। जब भी प्रेसिडेंट की ट्रेन किसी भी स्टेशन से गुजरती है तो पूरे स्टेशन की लाइट्स पहले ही बंद कर दी जाती है और तो और बराबर वाले ट्रैक से दूसरी कोई ट्रेन ना गुजरे। इसी वजह से इसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी काट दिया जाता है। पूरे नॉर्थ कोरिया में अभी तक 20 ऐसे रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जहां सिर्फ किम जोंग उनकी ट्रेन ही जा सकती है। 2023 में जब वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने रशिया गए थे तो ट्रेन को रोककर पहले इसके व्हील्स चेंज किए गए, क्योंकि रशियन के रेलवे कोरियन के मुकाबले में काफी चौड़े हैं। ट्रेन के इंटीरियर की बात की जाए तो इसके अंदर वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं जो किसी प्रेसिडेंट के घर और ऑफिस में होती है। किम का अपना पर्सनल ऑफिस जिसमें फैक्शन मशीन के साथ साथ सैटेलाइट फोन फैसिलिटीज भी मौजूद है। लेकिन इस ट्रेन की सबसे खास बात यहाँ का रेस्टोरेंट है। जी हाँ, यहाँ हर किस्म के खाने किम जोंग के एक इशारे पर तैयार किए जाते हैं, पर ज्यादातर इसमें फ्रेंच, चाइनीज और जापानीज डिशेज तैयार की जाती हैं। अपने सफर के दौरान किम जोंग के बोर होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इस प्राइवेट ट्रेन में लेडीज कंडक्टर के नाम पर सिंगर और डांसर्स भी मौजूद हैं जो अपने सुप्रीम लीडर को पर्सनल एंटरटेन करती हैं। सफर के दौरान अगर किम का कहीं बाहर जाने का मन होता है तो इनकी अपनी पर्सनल मर्सिडीज लिमोजिन ट्रेन के साथ ही होती है। किम जोंग के दुश्मनों की बात की जाए तो इनको अमेरिका और CIA से तो खतरा है ही, लेकिन सबसे बड़ा खतरा नॉर्थ कोरिया के अपने लोगों से है, जहां आए दिन लोगों को छोटी से छोटी बातों पर कड़ी सजा दी जाती है। लोगों को हार्ड लेबर कैंप में डाल दिया जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने किम जोंग के हेयर स्टाइल जैसा बाल क्यों नहीं कटवाए। इन सब बातों की वजह से ही यहाँ की लोकल पॉपुलेशन किम जोंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। कई बार किम जोंग को अपने हूबहू हमशक्ल के साथ भी देखा गया है, जैसा कि इस मिसाइल लॉन्च के इवेंट पर किम अपने हमशक्ल से कुछ बातचीत कर रहे हैं। ये हमशक्ल अक्सर खास इवेंट पर किम के साथ होते हैं ताकि अगर किसी शूटर को निशाना लेना हो तो वो भी कंफ्यूज हो जाए कि असल में किम जोंग कौन सा है। किम जोंग अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं US प्रेसिडेंट के एयरफोर्स वन के मुकाबले कितनी सिंपलिसिटी में ट्रेवल करता हूँ, पर असल में नॉर्थ कोरिया में इस ट्रेन के बारे में वो ये सब जानते ही नहीं जो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सोशल मीडिया जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। 2020 के सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक इनके कुछ मेंशन हैं और वहां पर इस मूविंग फोटोज को भी पार्क देखा गया है। नॉर्थ कोरिया में पिछले कई सालों से डिक्टेटरशिप चलती आ रही है और पिछले कई सालों से ही किम फैमिली राज करती आई है। किम जोंग इस गद्दे के आखिरी वारिस हैं, यानी उनके पास कोई बेटा नहीं है जो इस पोजीशन को संभाल सके, और इस बात का किम को भी बखूबी अंदाजा है कि उनकी पोजीशन बहुत ही वीक है। वैसे तो किम जोंग की बहन है जो शायद पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करे, लेकिन किम को लगता है कि अगर उनको कुछ हुआ तो मिलिट्री आसानी से उनकी जगह किसी और को दे देगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।